इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निमटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और इन्हें जरा कुछ देर इसी हालत पर रहने दो। हमारे पास इनके लिए भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग और हल्क में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। ये उस दिन होगा जब जमीन और पहाड़ लरज उठेंगे और पहाड़ों का हाल ऐसा हो जाएगा जैसे रेत के ढेर हैं जो बिखरे जा रहे हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बुलंद शान और अजमत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और अपने बंदे की मदद की और उसके लश्कर को गालिब किया और उस अकेले ने तमाम ग्रोहों को शिकस्त दी। और कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और पैरवी करने वालों पर। ऐ अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे और सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदके में उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, उनकी इस काविश को कबूल फरमा, इस काम को हमारे लिए तोशा आखिरत बना दे। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी के सदके में हमारे तमाम गुनाहे सगीरा व कबीरा माफ फरमा दे और हमें दोजख के अजाब से बचा ले। हमें, हमारे वालिदैन, हमारे अहलो आयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारी कब्रों में वहशत के वक्त एक रफीक अता फरमा दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله। ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारी दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ऐ अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनमें इत्तेफाक नहीं है, उनके दिलों से नफरतों की आग बुझा दे। ऐ अल्लाह पाक, ये नन्हे नन्हे हाथ तुझसे मदद चाहते हैं, तो इन मासूम बच्चों की दुआ कबूल फरमा और हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल।
اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے بھائی جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدال چاروں طرف اس میں بپا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔